देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। मतीन साहब, आज न्यायालय में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या आज कोर्ट ने कहा? हमें उम्मीद थी कि आज रेलवे और राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, लेकिन यहाँ हमने देखा कि रेलवे ने और राज्य सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने 8 हफ्ते का समय मांगा, जिसमें कोर्ट ने हमें 2 मई तक का समय दिया है इन्हें, और हमें इस बात का अफसोस है कि रेलवे ना तो हाईकोर्ट में अपने कोई दस्तावेज पेश कर पाई थी और ना सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई दस्तावेज दे सकी है। तो इस बात की हैरत है कि इतनी जल्दी लोगों के मकान तोड़ने की थी, और जहां सुप्रीम कोर्ट इनसे बार बार जवाब मांग रहा है, इनसे प्लान मांग रहा है, इनसे इनके जगह के नक्शे मांग रहा है, लेकिन अभी तक ना रेलवे और ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं दे पाई है। और ये बार बार दोबारा आज समय मांगा गया है इसमें हमारे हिसाब से, और इतना लंबा समय मांगा है इन्होंने 2 मई तक। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से इसमें निर्णय आना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमें इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अच्छा फैसला करेगी, और हमें इस बात की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि किसी को भी रिहेबिलेट करने से पहले नहीं हटाना चाहिए, तो हमें इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करेगी जनता के हित में होगा और किसी का भी घर नहीं टूटेगा, किसी की भी छत नहीं छिनी जाएगी। थैंक यू।